मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली से बोल रहा हूँ। आज का मेरा व्याख्यान BA पार्ट थर्ड पेपर सेकंड पर है। व्याख्यान का नाम है पुनर्जागरण की प्रकृति। प्राचीन युग की उन्नत यूनानी एवं रोमन सभ्यता जो मध्यकाल में लुप्त प्राय हो चुकी थी, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण पुनर्जागरण काल में फिर सजीव हो उठी। इस युग में पुनः उन आदर्शों तथा मूल्यों को महत्व दिया गया जो मध्यकाल में नगण्य समझे जाते थे, जैसे लौकिक जगत के प्रति आस्था, मानववाद का विकास, रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क की महत्ता, प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति आदि पुनर्जागरण काल में पुनः महत्वपूर्ण हो गए। पुनर्जागरण युग के तीन आधार स्तंभ थे, मानववाद अर्थात मानवीय व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास की अनंत संभावनाओं में विश्वास, नंबर 2 बुद्धिवाद या विवेक प्रधान स्वतंत्र चिंतन, एवं नंबर 3 वैज्ञानिक मन स्थिति अर्थात बिना सिद्धि या प्रमाण के भौतिक विश्व के किसी भी कार्य कारण संबंध को स्वीकार न करना। हम मनुष्य धर्माधिकारियों द्वारा प्रतिपादित विचारों एवं जीवन पद्धति एवं सामंती मैनर प्रणाली के बंधनों से मुक्त हुआ जो मध्यकाल की विशेषताएं थी, एवं अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत एवं सचेष्ट हुआ और उसे प्रेरणा मिली प्राचीन यूनान एवं रोम की संस्कृतियों से, सामंतवाद का पतन, कस्बों एवं नगरों का उदय, बड़े राज्यों का उदय तथा मानववादी कला एवं साहित्य का विकास इसकी अन्य प्रमुख विशेषताएं थी।